हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा एमए फाइनल की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पेपर 6, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका चैप्टर 5 पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, और इस पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है, उसका महत्व क्या है, और उसके मानव पूंजी निर्माण में क्या-क्या समस्याएं आती हैं। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। प्रोफेसर गुनार मिर्डल ने कहा है, बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात मुझे निरर्थक मालूम होती है। अर्थात प्रोफेसर मिडल ने भी ये माना कि यदि हम हमारी जनसंख्या को शिक्षित नहीं कर पाते हैं और विकास की बड़ी बातें करते हैं, तो ये सब निरर्थक हो जाता है। आर्थिक विकास के लिए श्रम का गुण ही अधिक महत्वपूर्ण है। यदि अकुशल श्रमिक अधिक देर तक या ज्यादा काम भी कर लेंगे, तब भी उनके प्रति व्यक्ति आय कम ही होगी। निरक्षर तथा अप्रशिक्षित व्यक्तियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे जटिल मशीनरी को चला लेंगे और उसकी देखभाल कर पाएंगे। उनमें निवेश करके ही उनकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका को हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला शीर्षक आता है मानव संसाधन विकास के सूचक, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास के सूचकों को प्रोफेसर हार्विनसन और मेयर्स ने निम्न 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है वे सूचक जो एक देश की मानव पूंजी के स्टॉक का मापन करते हैं। दोज इंडिकेटर्स हु मेजर द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफ अ कंट्री। दूसरा, वे सूचक जो स्टॉक में होने वाली सकल या शुद्ध वृद्धि की सूचना देते हैं। इसमें एक निश्चित समय अवधि में होने वाले मानव पूंजी निर्माण की दर भी शामिल है। एक देश में मानव पूंजी के स्टॉक का मापन करने के लिए फिर हम 2 सूचकों को लेते हैं। ये जो पहला हमने कहा था कि मानव पूंजी का स्टॉक है, तो मानव पूंजी का स्टॉक मेजर करना है, ह्यूमन कैपिटल स्टॉक को मेजर करने के लिए फिर 2 इंडिकेटर्स हैं। पहला तो है शैक्षिक उपलब्धियों का स्तर। इससे अभिप्राय है कि जनसंख्या में उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने शिक्षा के निम्न स्तरों को पूरा किया है, यानी वो जनसंख्या जिन्होंने की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तर को पूरा कर लिया है। और दूसरा, जनसंख्या के सापेक्ष उन व्यक्तियों की संख्या जो उच्च स्तर के व्यवसाय में संलग्न है, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन और लेबर फोर्स हु आर इन हाई स्कूल। इसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, अध्यापक, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के तकनीशियन, चिकित्सक, नर्स, फॉरमैन स्तर के प्रशिक्षित व्यक्ति शामिल हैं। विभिन्न देशों में मानव पूंजी के स्टॉक के तुलनात्मक आंकड़े इन दोनों रूपों में ही उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हार्बिनसन एंड मेयर्स ने सेकंड बेस्ट मेजर के रूप में निम्न तत्वों का, निम्न फैक्टर्स का उल्लेख किया। प्रति 10,000 जनसंख्या में शिक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ टीचर्स इन पर 10,000 पॉपुलेशन, प्रति 10,000 जनसंख्या में अभियंताओं और वैज्ञानिकों की संख्या, नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट इन पर 10,000 पॉपुलेशन, प्रति 10,000 जनसंख्या में चिकित्सा अधिकारियों और दंत चिकित्सकों की संख्या, डेंटिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स की संख्या है यहाँ पर। 5 से 14 आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या में प्राइमरी लेवल की एजुकेशन ले रहे बच्चों का प्रतिशत, फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों को साथ लेते हुए ह्यूमन एडजस्टेड एनरोलमेंट प्रोपोर्शन, मानव समायोजित नामांकन अनुपात, 15 से 19 की आयु की अनुमानित जनसंख्या के अनुपात में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत, 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में
या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का प्रतिशत। उपरोक्त में से पहले तीन द्वारा तो मानव संसाधन के स्टॉक का आंशिक मापन होता है और अंतिम चार के द्वारा स्टॉक में होने वाली वृद्धि का मापन होता है। रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को दर्शाने के लिए हमारा पहला पॉइंट था इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास के सूचक। और अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया एवं महत्व, प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव पूंजी को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रत्याशाओं को प्रोफेसर टी डब्ल्यू शुल्ट्स ने पांच भागों में बांटा। सबसे पहला, ऐसी समस्त सेवाएं एवं सुविधाएं जिससे व्यक्तियों का स्वास्थ्य स्तर, कार्य की शक्ति व क्षमता एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। दूसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसमें फर्मों द्वारा पुराने ढंग की प्रशिक्षण व्यवस्था भी सम्मिलित हो। तीसरा, प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर पर शिक्षा का औपचारिक संगठन। चौथा है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जिसमें कृषि जनसंख्या हेतु विशेष रूप से कृषि संबंधी विस्तार प्रोग्राम शामिल हैं। और अंतिम, नौकरी के अवसरों में होने वाले परिवर्तन तथा इन्हें समायोजित करने में व्यक्तियों और परिवारों की गतिशीलता। उपयुक्त सभी क्रियाएं मानव की क्षमता को सुधारने में अपना सकारात्मक योगदान देती हैं। मानव पूंजी वास्तव में श्रम शक्ति में निहित उत्पादक विशिष्टता है, यानी कि यह श्रम शक्ति की शिक्षा, कुशलता, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर की सूचना देती है। श्रम शक्ति जितनी अधिक शिक्षित होगी, कुशल, स्वस्थ और पोषण युक्त होगी, उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित योगदान भी उतना ही अधिक और गुणात्मक दृष्टि से संपन्न होगा। मानव पूंजी निवेश से अभिप्राय क्या है कि यह श्रम शक्ति की उत्पादक क्षमताओं को अधिक कुशल बनाते हुए शिक्षा के उच्च स्तरों से संबंधित समन्वित व पोषण प्रदान करना होता है। ऐसा करने में लागत वहन करनी पड़ती है। मानव पूंजी में निवेश की लागत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष या अवसर लागत के रूप में हो सकती है। प्रत्यक्ष लागत क्या है? प्रत्यक्ष लागत से अभिप्राय है स्कूलों के खुलने, शिक्षकों की, अस्पताल के निर्माण एवं डॉक्टरों की नियुक्ति, तकनीशियनों का प्रशिक्षण। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष या अवसर लागतों से अभिप्राय उससे है जो स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र में, जिसका कि स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र में जाने के फलस्वरूप त्याग कर दिया गया है। मानव शक्ति नियोजन के द्वारा देश के आर्थिक विकास हेतु प्रभावी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाओं में होने वाली मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि, यानी क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, मानवीय क्षमताओं, कुशलता एवं सृजनात्मक स्तर को ऊंचे स्तर तक ले जाती है। श्रम शक्ति की मांग में होने वाली वृद्धि और इसके समर्थ आवंटन तथा उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मानव संसाधनों के योगदान को पर्याप्त महत्व देकर मानव शक्ति के उपयोग को संभव बनाया जा सकता है। मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की भूमिका। एक देश में श्रम शक्ति की गतिशीलता व उत्पादकता में सुधार के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। शिक्षा दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, रोजगार के बेहतर अवसरों को प्राप्त करने के लिए कुशलता उत्पन्न करती है। आर ए लेस्टर ने अपनी बुक मैनपावर प्लानिंग इन अ फ्री सोसाइटी में लिखा है कि मानव शक्ति नियोजन के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये कौन से उद्देश्य हैं? सबसे पहला, विभिन्न व्यवसायों के लिए सामान्य विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम। सफेदपोश नौकरियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण। ये सफेदपोश नौकरियों से तात्पर्य है व्हाइट कॉलर जॉब्स। ये व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है। बदलती हुई रोजगार आवश्यकताओं के अनुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यवसाय प्रशिक्षण सुविधा वृद्धि के साथ
उच्च स्तरों की जानकारी देने वाले कार्यक्रम और नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण की विशेष सुविधा। दूसरा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समय अवधि, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आकस्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए वोकेशनल और टेक्निकल स्कूली सिलेबस को हम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेसिक एजुकेशन जरूर होनी चाहिए। एक मिनिमम लेवल तक बेसिक एजुकेशन का होना बहुत जरूरी माना गया है, और ये ध्यान रखना भी आवश्यक है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो समय और परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित होते रहें। और ये जरूरी नहीं है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो फुल टाइम हो। ऐसे देश जहाँ पर कि साधन सीमित हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वहाँ पर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स कराए जा सकते हैं। अल्पकालीन कोर्स, सैंडविच कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स और ऑन द विद इन द जॉब सेवा के अधीन प्रशिक्षण, ये अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस तरह से चलाना चाहिए कि ये आधारभूत ज्ञान के लिए एक सुदृढ़ आधार बनाए और संकीर्ण विचारधारा को हटाकर विशिष्टीकरण को अधिक महत्व प्रदान करे। ब्लैंक कहते हैं कि शिक्षा और प्रशिक्षण से समाज को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। कि शिक्षण और प्रशिक्षण से समाज को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? सबसे पहला ये है कि शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के साथ ही उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी लाभ प्राप्त होते हैं। इसे हम स्पिल ओवर बेनिफिट्स कहते हैं कि जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसे तो बेनिफिट है ही, उसके कॉन्टेक्ट में जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। इसे स्पिल ओवर बेनिफिट्स कहा जाता है। पढ़े लिखे परिवारों में कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। दूसरा लाभ ये है कि शिक्षा के द्वारा एक डेवलपिंग इकोनॉमी को ट्रेन्ड मैनपावर मिल जाती है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रशिक्षित जनशक्ति प्राप्त हो जाती है। शिक्षा संभावित क्षमता एवं सृजन की प्रक्रिया को बढ़ाती है। ऐसा वातावरण निर्मित होता है जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में खोज और नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन दे। शिक्षा सामाजिक अनुशासन को बढ़ावा देती है। वह कल्याण की भावना से प्रेरित होकर स्वैच्छिक रूप से कार्यरत रहने का दृष्टिकोण पनपता है। शिक्षा राजनीतिक स्थायित्व को बनाए रखने में प्रेरक भूमिका प्रस्तुत करती है। शिक्षित जन समाज एक सुदृढ़ एवं स्थायी नेतृत्व के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से कार्य और आराम दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है श्रम की गतिशीलता। मानव शक्ति का पूरा उपयोग तभी संभव है जब विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों, क्षेत्रों और अवसरों के मध्य प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित श्रम शक्ति समर्थ रूप से गतिशील रहे। लेस्टर के अनुसार श्रम गतिशीलता एक बहुआयामी विचार है और इसके विभिन्न पहलू समय, स्थान, व्यक्तिगत कुशलता और प्रेरणा से संबंधित हैं। श्रमिक के द्वारा की गई एक गति नियोक्ता, पेशी, उद्योग, भवन और स्थान के परिवर्तन को सूचित करती है। यानी श्रमिक यदि एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, तो ये हमें बताता है, नियोक्ता के बारे में सूचना देता है, पेशे के बारे में, उद्योग, भवन और स्थान के बारे में हमें सूचना देता है। ये गतिशीलता तब स्वैच्छिक हो जाती है जब एक श्रमिक अपने पेशे को इस आधार पर छोड़ता है कि उसे भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका को दर्शाने के लिए हमारा तीसरा और अंतिम बिंदु है मानव पूंजी निर्माण में निवेश द्वारा प्राप्त प्रतिफलों का मापन, यानी हाउ टू मेजर द रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हार्विंसन एंड मेयर्स के अनुसार शिक्षा में किए गए कुछ निवेश आर्थिक वृद्धि को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जबकि दूसरी ओर मानव संसाधन के विकास और शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय आधारभूत रूप से सामाजिक निवेश यानी सोशल इन्वेस्टमेंट का रूप लेते हैं। इसलिए इनका मापन अवशिष्ट रूप से यानी रेसिडुअली हो सकता है। आर्थिक विकास में शिक्षा के योगदान का मापन करने
के मुख्य विश्लेषण इस प्रकार हैं। सबसे पहला, आय एवं शिक्षा पर किए गए व्यय के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड इनकम। इस व्याख्या को शुल्ज ने अमेरिका में 1900 से 1958 की समयावधि के संदर्भ में प्रस्तुत किया, यानी शुल्ज ने इस समयावधि के दौरान के अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को यहाँ पर शेयर किया है। उनके अनुसार इस अवधि में उपभोक्ता आय कंज्यूमर इनकम और सकल भौतिक पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के सापेक्ष यानी इन दोनों की तुलना में शिक्षा पर 3.5 टाइम्स ज़्यादा संसाधन आवंटित किए गए। यानी कि इस अवधि में वास्तविक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि शिक्षा पर व्यय की गई संसाधनों की 3.5 टाइम्स ग्रोथ से ही संबंधित थी, अर्थात शिक्षा के लिए मांग की आय लोच 3.5% थी, यानी मोर देन वन थी। यानी शिक्षा को यदि निवेश माना जाए तो भौतिक पूंजी में किए गए निवेश की तुलना में 3.5 टाइम्स अधिक आकर्षक होता है। दूसरा तरीका यह है अवशिष्ट विधि रेसिडुअल अप्रोच। शिक्षा के द्वारा होने वाले सकल राष्ट्रीय उत्पाद के भुगतान को मापने का प्रयास किया प्रोफेसर सोलो, डेनिसन और हेक्टर कोरिया। इस व्याख्या में जीएनपी में श्रम और पूंजी जैसे भौतिक इनपुट के योगदान का निर्धारण करने के बाद जो अवशिष्ट है उसे अन्य घटकों का योगदान माना जाता है, जिसमें शिक्षा सबसे अधिक महत्व की है। सोलो ने कुछ सरल मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया कि 1909 से 1949 के मध्य अमेरिका में प्रति मानव घंटा उत्पादन में होने वाली वृद्धि का 87.5% अवशिष्ट माना गया। प्रतिफल की दर का विश्लेषण रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। शिक्षा पर किए गए व्यय के द्वारा प्रतिफल की दर को मापने का प्रयास भी कई अर्थशास्त्रियों ने किया और यह विधि एक व्यक्ति को भविष्य में मिलने वाली प्राप्तियों के प्रवाह का मापन करती है जो शिक्षा के द्वारा उत्पन्न हुई। इनके वर्तमान मूल्य की गणना कुछ उचित बट्टा दरों के आधार पर की गई। चौथा, स्कूल नामांकन अनुपातों और सकल राष्ट्रीय उत्पादों का अंतरदेशीय सहसंबंध, इंटर कंट्री कोरिलेशन ऑफ स्कूल एनरोलमेंट रेशियो एंड जीएनपी। यहाँ पर फ्रेडरिक एडिंग और लियोनल एल्विन ने 22 देशों में 5 से 14, 15 से 19 तथा 20 से 24 के तीन आयु वर्ग में, 20 से 24 वर्ष के तीन आयु वर्ग हो गए यहाँ पर, इन तीन आयु वर्गों में नामांकन अनुपातों की तुलना की, इनके एनरोलमेंट प्रोपोर्शन क्या रहे, किससे इनकी तुलना की, इन देशों की पर कैपिटा जीएनपी से। और ये निष्कर्ष प्राप्त किया कि एक देश जिसकी प्रति व्यक्ति जीएनपी बहुत कम है वह 15 से 19 वर्ष के मध्य के आयु वर्गों को पूर्ण समय तक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए ऐसे युवक कम शिक्षित रह जाते हैं और ये युवक लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में असफल रहते हैं। अंतिम विधि है सम्मिश्र सूचकांक कसौटी, कंपोजिट इंडेक्स क्राइटेरिया। कुछ मानव संसाधनों के सूचकों के आधार पर हार्बिन्सन और मेयर्स ने मानव संसाधन विकास का सम्मिश्र सूचकांक कसौटी विकसित किए। सम्मिश्र सूचकांक को, इस कंपोजिट इंडेक्स को 75 कंट्रीज को श्रेणीबद्ध करके उन्हें मानव संसाधन विकास के चार स्तरों का समूह बनाकर प्रयुक्त किया जाता है। और ये चार स्तर का समूह कौन सा होगा? अल्प विकसित, लीस्ट डेवलप्ड, आंशिक विकसित, पार्शियली डेवलप्ड, अल्प उन्नत, लेस डेवलप एंड फुल्ली डेवलप। इसके बाद इन्होंने इन सूचनाओं तथा आर्थिक विकास के सूचकों के संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास किया। इनका अध्ययन शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकित अनुपात तथा प्रति व्यक्ति जीएनपी के बीच एक निकट संबंध को दर्शाता है। सबसे अधिक सहसंबंध गुणांक 0.888 है जो यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति जीएनपी और मानव संसाधन विकास के सूचकांक के बीच पाया गया। इस प्रकार निष्कर्ष
हम निकाल सकते हैं कि मानव पूंजी निवेश की समस्या के साथ जो कोई भी कठिनाई जुड़ी हुई हो, अब यह मान लिया गया है कि अल्पविकसित देशों की वृद्धि को भौतिक पूंजी की कमी द्वारा ही नहीं बल्कि ज्ञान एवं शिक्षकों की कमी द्वारा रोका जाता है, जो आगे चलकर उपलब्ध भौतिक पूंजी स्टॉक को खपाने की क्षमता को सीमित करते हैं। अतः मानव पूंजी निर्माण को भौतिक पूंजी निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। चैप्टर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।